हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग है न्यू ईयर का। न्यू ईयर आज हमने कहाँ सेलिब्रेट किया, चलिए मिलते हैं आपसे। कहाँ गए हम, तो चलिए सबसे पहले मिला देती हूँ हमने बच्चों से। क्राशू, ब्लैकी, ये क्राशू है, ब्लैकी है, शिरवा है, सब खुश है, पीहू है। और हम लोग अभी निकल रहे हैं, कहीं और गए थे, फिर उसके बाद हम अब जा रहे हैं जहाँ, वो जगह दिखाती हूँ कहाँ पर है, अभी मिलाती। और ये बाहर सभी सोए हुए हैं, निकलते निकलते इनसे भी मिला दूँ। लाली सो रही है, कनुड़ी सो रहा है, और है जिप्सी एंड पिप्सी, ब्राउनी सभी। और ये शिरवा पीछे पीछे दौड़ रहा है हमारे, इसको भी जाना साथ में। ये हम लोग अभी भी निकले हैं यहाँ से दुकान से, ये मेरी सिस्टर बैठी हुई है, तो निकलते हैं चलते हैं। तो हम पहुँच गए हैं उद्धारकर्ता वृद्धाश्रम, जो कि संगम विहार में स्थित है। और ये है यहाँ के सुनील सर, और आज ये है नीरज और ऋषभ, और भी एनजीओ के बच्चे आए हुए थे। और ये सभी जो हैं बुज़ुर्ग यहाँ पर रहते हैं, और ये हम मैं हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँचे, क्या क्या नाम है इनके आप सभी को दिखाती हूँ, कौन कौन रहते हैं यहाँ पे। अनीता, राज रानी। आंटी आपका नाम? शर्मणी। अंकल जी आपका नाम? उमाशंकर शर्मा। हाँ जी, उमाशंकर शर्मा। उमाशंकर शर्मा। आंटी आपका नाम? डोरिस। अंकल आपका नाम? इंद्रपाल। इनका नाम? धर्मेंद्र। ओके। ये अंकल का नाम? अपना नाम बताओ। श्याम कुमार। अंकल जी आपका नाम? राजेंद्र। क्या नाम? राजेंद्र। अच्छा। इन सबसे मिलकर आपको दिखाया मैंने कि ये किस तरह से है। कुछ लोग तो इसमें से इतने ज़्यादा डिसेबल है कि चल भी नहीं सकते। वो जो नीचे अंकल बैठे हैं वो तो चल भी नहीं सकते हैं, उनके दोनों पैर बहुत ज़्यादा मतलब काम ही नहीं करते हैं। जब वो स्टार्टिंग में यहाँ आए थे तो बिल्कुल खड़े ही नहीं हो सकते थे। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा वो व्हीलचेयर में इधर उधर ले जाते हैं। ऐसा लगता था जैसे कि इनकी जीने की इच्छा कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। और ये है आरती, जो यहाँ पे इनके लिए खाना बनाती है, इनकी हेल्प करती है। तो इनका भी बर्थडे है आज, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीहू साथ में केक कटवा रही है, और सभी खुश हैं बहुत ज़्यादा कि आज ऐसा माहौल है और बहुत अच्छा है। न्यू ईयर भी है और हम लोग भी यहाँ पर आए हैं इन सब के संग थोड़ा सा टाइम बिताने के लिए। और ये सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे थे सभी। आपके आसपास भी कुछ इस तरह के अगर वृद्धाश्रम या कोई एनजीओ तो प्लीज़ आप भी कुछ समय उनके साथ बिताएं और जाकर उनके संग छोटी छोटी खुशियाँ बांटें। उनके लिए हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाते हैं, मगर हाँ ये है कि थोड़ा सा समय बिता सकते हैं उनके साथ, कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले जा सकते हैं। ये जो नीरज है ये केक वगैरह लेके आया था, और साथ में दो और एनजीओ से, इन्हीं के एनजीओ से दो लड़कियां आई थी, बच्चियां आई थी, वो भी इनकी हेल्प कर रही हैं, वो भी इनके साथ में आई थी। हम लोग थोड़े से सॉक्स वगैरह लेके गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं, एक जैसा ही सामान ले गए, क्योंकि ज़्यादा टाइम ऐसे डिस्कस नहीं हुआ था कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना, तो जो समझ में आया लेके चले गए। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लेके जाएँ अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं कहीं और से यहाँ पर गई थी तो इतना समय नहीं मिल पाया। ये जो वृद्धाश्रम आप देख रहे हैं ये संगम विहार में है, और आप सभी भी जाकर यहाँ सबसे मिल सकते हैं। और जो भी डोनेशन है आप डोनेट करना चाहते हैं, कोई कपड़ा, खाने का सामान या कुछ भी, राशन वगैरह, तो आप दे सकते हैं। क्योंकि ये जो है इनकी हेल्प तो वैसे काफ़ी जगह से होती है, बट हमें भी अपने बच्चों को ऐसी जगह दिखानी चाहिए, ले जाने चाहिए जहाँ बच्चे जाकर कुछ अच्छी नॉलेज सीखते हैं। क्योंकि हम घर में अक्सर यहाँ वहाँ घूम के, फ्रेंड सर्कल में खा पी के, रेस्टोरेंट में जाके, तो अक्सर हम अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते ही हैं, बट ऐसे इन लोगों के साथ जाकर सेलिब्रेट करने का कुछ और ही अच्छा आनंद है और हमें अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पर चर्च के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं प्रेयर के लिए हर संडे को, तो हमारे जाने से पहले ही वहाँ पे प्रेयर वगैरह हो चुकी थी। फिर कोई भी चीज़ अगर कोई लेके जाता है तो उनके लिए भी ये लोग प्रेयर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा लगा यहाँ पर जाकर। बस ये है कि ये जो लोग हैं इनको थोड़े मेडिसिन वगैरह की शायद हो सकता है ज़रूरत। और ये है यहाँ का किचन,
और ये आरती जो यहाँ खाना बनाती है इनके लिए हेल्प करती है काफ़ी अच्छे से, और तीनों टाइम का इनके लिए अच्छे से खाना वाना बना के खिलाती है इन्हें। और ये है यहाँ बेला जो सो रही है पेड़ के नीचे। ये वृद्धाश्रम काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है और जगह भी यहाँ काफ़ी अच्छी है, इनके सोने की इनके बिस्तर की व्यवस्था भी अच्छी है। बट ये है कि इनको थोड़ी सी सपोर्ट की, थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि कुछ जो भी आपसे बन सके इस एनजीओ में आप हेल्प कर सकते हैं। यहाँ का एड्रेस जो है मैं अपने लिंक पे शेयर करूँगी और साथ में आपको दिखा भी दूँगी। ये संगम विहार में है, नियरेस्ट भी यहाँ पे शमशान घाट बोलते हैं। और ये है इनका जो है रूम, सभी के लिए बेड वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे। सभी काफ़ी सारे बेड वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ आई थिंक यहाँ पे 12 लोग रहते हैं। ये क्रिसमस ट्री है, कुछ टाइम पहले क्रिसमस था। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उद्धारकर्ता सीनियर सिटीजन हो। इन बुज़ुर्गों के लिए भी ये आश्रम बना है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोग इस तरह से नहीं होते ना जो अपने माता पिता की सेवा करें या उनकी देखभाल करें। इस टाइम इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेवा की, कि कोई इनकी सेवा करे। बट वही ये लोग इन्हें इस तरह से छोड़ जाते हैं यहाँ पर। और जो इनकी हेल्प कर रहे हैं ये सर सुनील पाल, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो फिर हाँ फिर आएंगे, बाय। हाँ अंकल नमस्ते नमस्ते। हाँ चलो इसी के साथ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो प्लीज़ इनकी थोड़ी सी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।